बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के एक हफ्ते तक चलने वाला सफाई अभियान भी फेल होता दिखाई दे रहा है। सेक्टर 3 निवासियों का कहना है कि पिछले एक महीने से यहां पर कोई साफ सफाई नहीं हुई। सेक्टर 3 तिगांव रोड, 36 गज और रामलीला मैदान के पास अभी भी गंदगी का ढेर लगा है। जगह जगह गंदगी अभी भी दिखाई दे रही है। आसपास के लोग यहां पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। कई बार अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को यहां से कूड़ा हटवाने के लिए कहा जाता है तो वो सिर्फ ये कहकर चले जाते हैं कि करवा देंगे और सफाई नहीं होती। जी या तो शर्मा जी की बात को नेगलेक्ट कर रहा है, अधिकारी का नेगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर एनसीएफ वाले काम करके राजी नहीं है। आप यहीं कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितनी गंदगी पड़ी है। अप्रोक्स 3-4-5 दिन हो गए इस गंदगी को पड़े हुए। इस तिगांव रोड पर ही आगे जाके देखो, वहाँ बहुत सारी गंदगी हुई पड़ी है। छत्तीसगढ़ की तरफ आप जाओ, आप जाके देखोगे कि वहाँ पे स्मेल इतनी आती है गंदगी बहुत ज़्यादा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। या तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने में मतलब असमंजस सा हो रहा है। लोग एमसीएफ वाले काम करके राजी नहीं है, उनके अधिकारीगण सुन के राजी नहीं है। कभी किसी से कंप्लेंट करो तो मुझे लग रहा है शर्मा जी ने की बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं जो निगम वाले हैं, और काम करके नहीं दे रहे हैं, जिससे कि सफाई में अभाव पूरे सेक्टर 3 में सफाई कर्मचारी भी हैं। सुबह मॉर्निंग में शायद सफाई करने आते भी हैं, कूड़े उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद भी इतनी गंदगी रहती है। श्रीमान जी छोटी सी जगह पर ही 5-5, 6-6 कर्मचारी काम करते हैं, ना कि पूरे फैल के काम करते हैं। पूरे फैल के काम करें चारों तरफ तो जल्दी से सफाई हो और अच्छी सफाई हो जाए, लेकिन क्या करते हैं कि एमसीएफ के अधिकारी 4-5, 6-6 जन एक ही जगह झाड़ू लगाते रहेंगे छोटी सी जगह, और साफ करके छुट्टी का टाइम हुआ जब पार बोलते हैं सर। तो इस तरह से थोड़ी सी ढिलाई हो रही है कार्यवाही काम सफाई होने में। तो अभी भी गंदगी जस की तस बनी हुई है। देखो अभी तो गंदगी पूरी तरह आपके सामने, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, आप रोड से निकलो, आपके पीछे भी बैक साइड पे देख सकते हो। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि अभी सफाई में इतना मजेदारी नहीं है। कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है, कहाँ का कूड़ा है ये, कैसे साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? साफ सफाई तो यहाँ डेली होती है, रोज सुबह मशीनें आती हैं, वो अपने कूड़ा उठा के ले जाते हैं। लेकिन बाद में जो इनके कर्मचारी हैं, कौन हैं, प्राइवेट हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते ना, हम उनसे पूछते हैं। कूड़ा डालने की जगह डालेंगे, सरकार ने किया, लेकिन कूड़ा डेली साफ होता है, डेली उठता है, और इसके ऊपर वो अपना केमिकल वगैरह सफाई का वो डाल के जाते हैं। फिर भी इतना कूड़ा कहाँ से आ जाता है? उनके जाने के बाद आने लगती है, गाड़ियाँ आती हैं, रिक्शे में लोड होकर आता है, चले जाते हैं। वो तो डंप जो अब ये डंप हो गया, शाम तक इकट्ठा होगा, रात को भी इकट्ठा होगा, सुबह आके वो क्लीन, नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं। शाम को फिर आते हैं सफाई के लिए? शाम को दिन में एक बार आते हैं, दिन में एक बार आएंगे, बिल्कुल साफ करके चले जाएंगे। और ये आवारा पशुओं का बहुत आतंक है, इससे हम बड़े दुखी हैं। साफ सफाई अगर होती है फिर भी इतना कूड़ा इकट्ठा? उन्होंने जगह बनाई हुई है सर डंप के लिए, ये जगह प्रॉपर जगह बनाई हुई है। पर ये एक अभियान भी चलाया गया था, स्वच्छता अभियान का? जी सर, जी सर, सर सर डंपिंग यार्ड गया था, अभी कमिश्नर जी ने भी हाँ नोटिस दिया था, लेकिन जब प्रॉपर जगह है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ लेके जाएं बताओ। तो ये पूरा आसपास का ही हो गया ना? आसपास का ही है, और किसका है अभी? मैं किसी हैं पब्लिक जो ड्यूटी जाने वाला घर से लिया पन्नी फेंक दिया। जब जगह ये बनाई हुई है, जब जगह ये बनाई हुई है कूड़े के लिए, तो कूड़ा ही डलेगा यहाँ।